आज हम लोग सीखेंगे कंबाइंड कैपेसिटर के साथ स्प्लिट एसी के आउटडोर का कनेक्शन करना। तो ये हमारे पास कंबाइंड कैपेसिटर है। इसको कंबाइंड क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें दो कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर हमारा एक ही है लेकिन इसमें दो है, तीन खूंटियां निकली हुई हैं, एक दो तीन। अब तीनों के नाम अलग अलग हैं। क्या है नाम, कैसे जानेंगे कौन? देखिए, इसमें दो कैपेसिटर जो है ना, ये एक फ़ैन के लिए है और एक कंप्रेसर के लिए है। लेकिन जो कम MFD का है वो इसका फ़ैन का है, और जो ज़्यादा का है वो कंप्रेसर का है। ये जानते कैसे हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर भी लिखा होता है, फिलहाल ये मिट चुका है, इसके ऊपर लिखा होता है 45+4, 45+6, इस तरीके से लिखा होता है। मतलब कि 6 वाला जो है वो हमारा इसका है फ़ैन का, और जो 45 का है वो हमारा कंप्रेसर का है। लेकिन ये नहीं लिखा होता है कौन 45 कौन कंप्रेसर का, तो उसको हमें जानना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा होता, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है फ़ैन, है ना लिखा। तो फ़ैन का मतलब ये पंखे वाला है, और एक पे लिखा रहेगा हर्म, हर्म मतलब कह लीजिए कंप्रेसर वाला ये है, और एक लिखा रहता है सी मतलब कॉमन, ये कॉमन है मतलब इस पर दोनों का जाएगा। तो कैसे करना है कनेक्शन ये समझिए। इसी कैपेसिटर से ये भी चलेगा फ़ैन भी, और इसी कैपेसिटर से ये कंप्रेसर भी चलेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन वायर हैं इसके फ़ैन मोटर के, जिसमें रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग के तीन तार हैं, ठीक है। और सेम उसी तरीके से ही हमारे कंप्रेसर से भी निकला हुआ है रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग के तीन तार। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इसका एक रनिंग स्टार्टिंग लेंगे फ़ैन मोटर का। इस फैन मोटर के स्टार्टिंग को जो फ़ैन लिखा हुआ, जहाँ पे याद रहे कोडिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, तो जो जहाँ पे फ़ैन लिखा है ना, इस वाले खोटी पे कौन वाले पे लिखा है, इस वाले देखिए फ़ैन लिखा हुआ है, ठीक ना। तो फ़ैन वाले का जो खोटी है, उस फ़ैन वाले खोटी पे जो हमारा ये फ़ैन मोटर है इसका स्टार्टिंग जाएगा। याद रहे, कभी रनिंग मत लगा दीजिएगा वरना चलेगा नहीं, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे फ़ैन पे जो है ये स्टार्टिंग वाला चला जाएगा, और इस पे जहाँ हर्म लिखा है वहाँ पे कंप्रेसर का जो हमारा स्टार्टिंग तार होगा वो चला जाएगा। तो इसका जो स्टार्टिंग वायर है वो ये है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वायर को पकड़ लेते ब्लैक वाले को, और इसके हर्म वाले पे दे देते हैं, बस इतना काम करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, कोडिंग को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है कि जो फ़ैन का स्टार्टिंग रहेगा ये फ़ैन पर आ जाएगा, जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग रहेगा वो हर्म पर आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके रनिंग को लेंगे कंप्रेसर के, और ये जो हमारा फ़ैन मोटर इसका रनिंग लेंगे, इसको कॉमन वाले पे डाल देंगे, सीधा दोनों को कॉमन वाले पे डाल देंगे। तो यहाँ पे कॉमन वाले में इसको लगा देते हैं, दोनों के रनिंग को कॉमन वाले पे ही लगाना है, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फेज की सप्लाई है, फेज की सप्लाई हम इसे कॉमन वाले पे दे देंगे। क्यों? क्योंकि रनिंग वाले पे ही सप्लाई हमेशा दी जाती है, तो कॉमन वाले पर रनिंग लगा है तो यहीं पे हम सप्लाई दे देंगे। तो ये जो हमारा आउटडोर है, आउटडोर से ये तार हमारे आए हुए हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल है, एक फेज है, और एक हमारा ग्रीन वायर जो कि अर्थ का है। तो ग्रीन को अभी फिलहाल हम छोड़ते हैं, और ये तार आ करके सीधा लगता है यहाँ हमारे वायर जंक्शन पे। वायर थोड़ा सा दिखाइए, तो ये वायर जंक्शन पे ये हमारा तार यहाँ पे आता है, और आ करके यहाँ पे जो दो पॉइंट दिया हुआ है, एक न्यूट्रल के लिए और एक फेज के लिए, यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर ऊपर देख रहे हैं ये पॉइंट है, नीचे ये वाली पॉइंट टूट गई है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो नीचे इन किया गया फेज, तो ये ऊपर से यहाँ से आउट कर लेते हैं फेज, और नीचे इन किया गया न्यूट्रल, तो इसको ऊपर से आउट करा लेते हैं न्यूट्रल। मतलब कि जो न्यूट्रल फेज यहाँ पे जोड़े थे ऊपर से वही न्यूट्रल फेज उठा लेंगे। यदि हम यहाँ पे ना भी जोड़े, लेकिन जोड़ना बेटर होता है, और सब कंपनी लगा के जोड़ के देती है, हम लोग ये ख़राब हो गए इसलिए हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। तो फिलहाल अगर ये ना भी हो, किसी वजह से नहीं भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पर बना के आना है। मतलब कि ये आपको यहाँ से उठा देना सीधा, और डायरेक्टली यहाँ से, जहाँ से उठा के यहाँ से दे रहे हैं सबको ना, ये डायरेक्टली ले आके वहीं पर जोड़ देंगे, सप्लाई आएगा और ये चलेगा, और इसके ना रहने से कोई भी दिक्कत भी नहीं है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जो हमारी फेज का जो वायर रहेगा यहाँ से उठाएंगे और सीधा ला करके इसे कॉमन वाले पर जोड़ देंगे। तो कॉमन वाला ये है ना सी, तो कॉमन वाले पर जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल दे देंगे दोनों के कॉमन को, मतलब कि फ़ैन मोटर के कॉमन वाले वायर को जो बचा था, और एक जो हमारा ये वाला कंप्रेसर का कॉमन वाला है इसको। तो हम इन दोनों को आपस में कॉमन को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले काम ये करते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों कॉमन को, फ़ैन मोटर के और कंप्रेसर कॉमन को आपस में जोड़ करके यहाँ पर सीधा न्यूट्रल की सप्लाई को दे देते हैं, बस। अब यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अब हम करेंगे इसको स्टार्ट, और फिर ये जो हमारा एसी है ये स्टार्ट हो जाएगा और चलने लगेगा। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इंटर दिखाइए उसको।
दिख रहा है। अब हमने एसी को कर दिया ऑन, देखिए ये खुल रहा है। अब यहाँ पे हमारी एसी स्टार्ट हो चुकी है और इंडोर से हवा भी आ रही है। और अब 3 मिनट की जो टाइमिंग उसमें होती है उसके हिसाब से ये 3 मिनट के बाद सप्लाई इस तार के ज़रिए से इस आउटडोर को देगा, जिससे कि ये आउटडोर का जो हमारा फैन मोटर है और कंप्रेसर है ये स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए 3 मिनट के बाद ये जो हमारा आउटडोर है ये स्टार्ट हो चुका है और ये फैन मोटर भी चल रहा है और कंप्रेसर भी चल रहा है यहाँ पे, और सही तरीके से कनेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से कंबाइंड कैपेसिटर के साथ आउटडोर का कनेक्शन करते हैं।